तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जस्ट एक बार मुझे ऑडियो वीडियो कंफर्म करें और उसके बाद अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो सेशन है वो बेसिकली हम लोग पंप स्टार्ट करेंगे, बिकॉज हम लोगों ने शुरू का इम्पैक्ट ऑफ जेट वाला जो पार्ट है वो फिनिश कर लिया। इम्पैक्ट ऑफ जेट के बाद हमने टर्बाइन वाला पार्ट फिनिश कर लिया। अभी हम लोग यहीं से पंप स्टार्ट करेंगे और पंप में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। जस्ट हमने अगर टर्बाइन पढ़ा है, ऑब्वियसली अभी रिएक्शन टर्बाइन पढ़ के आए हैं, तो रिएक्शन टर्बाइन का जस्ट ऑपोजिट बिहेवियर आपको देखेगा, ठीक है। तो आप लोग जस्ट समझने की कोशिश करिएगा, इनकेस अगर आपको कोई भी इशू आता है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क टू मी। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज लेक्चर नंबर 1 फॉर पंप। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं दैट इज ऑन लेक्चर नंबर 1 फॉर पंप। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 1। जस्ट अ मिनट, हाँ, इसकी एडिटिंग में इनेबल कर देता हूँ और उसके बाद अपना यस। सो आज हमारे पास जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 1 फॉर पंप, ठीक है। दिस इज योर लेक्चर नंबर 1। आज हम इसी पे डिस्कशन करेंगे। गुड इवनिंग संगम। तो जस्ट अगर मैं अपने बारे में बात करूं, सो दिस इज मी योगेश त्यागी और ये मेरे कुछ हाईलाइट्स हैं। दैट इज आई वॉज इन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मल्टीपल टाइम्स मैंने गेट क्रैक किया है एंड आई मेंटोर्ड मोर देन 1 लाख ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी तक की अगर जस्ट मैं बात करूं तो यही जर्नी रही है। पिछले 8 साल में मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स को मैं मेंटोर कर चुका हूं एंड दिस इज माय चैनल। अगर आप चाहें तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपके पास जो नोट्स वगैरह हैं और जो भी PDF वगैरह हैं वो आपको मिलते रहे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अनअकैडमी के बारे में, तो अनअकैडमी आपको फ्री क्लासेस नो डाउट प्रोवाइड कराता है, बट इसके अलावा आपको पेड क्लासेस भी देता है। तो किसी को अगर ऐसा लगता है कि हाँ सर मैं पेड क्लासेस करना चाहता हूँ और मैं सिस्टमैटिक मैनर में जाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से प्लस या आइकॉनिक में कुछ भी चूज कर सकते हैं। प्लस में आपको लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड यहाँ से कोर्सेस, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस, क्रैश कोर्स, ये सारा मिलता है। अगर मैं आइकॉनिक की बात करूँ तो आइकॉनिक में आपको ये सारा तो मिलता ही है, साथ में आपको एक पर्सनल कोच मिलता है, एक स्टडी प्लानर मिलता है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर मिलते हैं, प्रिपरेशन स्टडी मटेरियल मिलता है, स्टडी बूस्टर सेशंस मिलते हैं और आपके पास पर्सनलाइज आपकी एनालिसिस जो आपको दी जाती है कॉन्टिन्यूसली। तो आप यहां से जस्ट आइकॉनिक और प्लस में जो भी चूज करना चाहें वो चूज कर सकते हैं, दोस्त हु वांट, जिनका भी प्लान है। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें, सो दिस इज 24 मंथ्स फीस स्ट्रक्चर, 1770 रुपीज पर मंथ एंड इट इज 24 मंथ्स आइकॉनिक स्ट्रक्चर दैट इज 3120। और अगर आपको लेना है तो यू कैन यूज द कोड इज व्हाट, त्यागी 100। जब आप इस कोड को लगाएंगे तो यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10% और 10% डिस्काउंट के अलावा आपको मेरी मेंटोरशिप मिलेगी। मैं आपको बताऊंगा कि कब, क्या, कैसे, किसके साथ क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है। आई होप, मतलब ये जो पेन है वो शायद आपको विजिबल ना हो, तो मैं पेन यहां से चेंज कर लेता हूं। दिस इज माय कोड, द कोड इज व्हाट, त्यागी 100 एंड यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हैं एनी वेयर, जहां पे भी आपको लगता है, ठीक है। डिप्लोमा केमिकल वालों के लिए ये लेक्चर नहीं है बच्चे। अगर मैं जस्ट यहां से बात करूं तो अनअकैडमी आइकॉनिक में आपको यहां से लाइव मेंटोरिंग प्रोग्राम मिलता है। दोज हु वांट टू टेक वो लाइव मेंटोरिंग प्रोग्राम ले सकते हैं और इनकेस अगर आपको कोड यूज करना तो दिस इज माई कोड दैट इज त्यागी 100। आप इस कोड को यूज कर सकते हैं कहीं पे भी। अनअकैडमी की जो क्लासेस रहती हैं वो नो डाउट आपके स्पेशल क्लासेस, बहुत इंटरेक्टिव रहती हैं, पोल्स रहते हैं, रेज अ हैंड का ऑप्शन आता है, क्लास कभी मिस ना हो उसमें नोटिफिकेशन जाता है, लेक्चर के नोट्स, क्लास को आप कभी भी कहीं भी वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट, अनअकैडमी आस्क अ डाउट में आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं कभी भी और आपको इसमें हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन मिलता है, एग्जैक्ट मैचेस मिलते हैं, इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशन मिलते हैं और आप इंस्टेंट अपने घर से बैठ के सारा का सारा काम ये कर सकते हैं। ये अनअकैडमी यहां से गेट योद्धास, अगर आप चाहें तो यहां से 14th of November को है, आप चाहें तो इसमें अपियर हो सकते हैं। इसके अलावा 14th of November को आपका यहां से जस्ट ये भी है, जस्ट अनअकैडमी कॉम्बैट, और डेफिनेटली आप इसके लिए भी कहीं पे भी अनअकैडमी में अगर आपको यूज करना तो यू कैन यूज द सेम कोड त्यागी 100 एवरीवेयर, कहीं पे भी जहां पे आपको लगता है वहां पे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपके बैचेस हैं, जो अभी नया बैच आ रहा है वो फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट हो रहा है 10:30 AM से और ये आपका अभी ऑफर आया है। जो लोग भी 2022 की तैयारी कर रहे हैं वो 3 मंथ्स की प्रिपरेशन अगर अभी है, अगर आपको रिविजन वगैरह करना तो 3+1 ले सकते हैं बाई यूजिंग द सेम कोड एंड द कोड इज व्हाट, त्यागी 100 अगेन जस्ट, और आपको मिलेगा इसमें भी 10% का डिस्काउंट, कुछ इस टाइप से है। तो चलिए अभी जल्दी से अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोगों ने पंप की बात की। देखो, पंप को मैं डायरेक्टली रिलेट करूंगा पुराने वाले पार्ट से, ठीक है।
जो हमने टर्बाइन पढ़ा था, मेरे ख्याल से रिएक्शन टर्बाइन सबको क्लियर होगा, मैंने आपको बताया भी था रिएक्शन टर्बाइन के बारे में कि हाँ रिएक्शन टर्बाइन है और रिएक्शन टर्बाइन कैसे कैसे। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि अपना वर्क आउटपुट कितना आया था? आपको मैंने वहां पर बताया था कि इसको हम रिलेट करेंगे चल के, और रिलेट करेंगे तो डायरेक्टली आपका यहां से वर्क आउटपुट मिल रहा था। अगर आपको याद है तो आपने वर्क के लिए जस्ट लिया था कुछ इस टाइप से, याद अगर हो तो। ये बेटा वर्क डन पर सेकंड मैंने निकाला था, और मास फ्लो रेट इन ब्रैकेट आपके पास आया था VW1U1 और प्लस आपके पास आया था VW2U2, और यहां से कुछ हमने इस टाइप से ले लिया था। पर यूनिट वेट की बात करें तो एमजी कर लेते थे, और वहां से जस्ट हम जी से जस्ट VW1U1 प्लस VW2U2 प्रिपरेशन कर सकते हैं ना, केमिकल। हाँ बिल्कुल, थर्मो का प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं बिल्कुल, है ना। वो 8 बजे लेक्चर होता है बेटा, ये फ्लूड मशीनरी चल रहा है विच इज फॉर मैकेनिकल, ये आपका केमिकल वाला नहीं है। तो केमिकल वालों को इसको वॉच करने की नीड नहीं है, किसी को भी वो वॉच ना करें, ठीक है। अच्छा अभी हमें ये चीज याद है, अब मैं पंप में जस्ट इसका उल्टा करने वाला हूं, पंप में जस्ट इसके जस्ट उल्टा करने वाला हूं, और आपको बस उसी से रिलेट करूंगा, आपको जस्ट कॉन्टिन्यूसली सारी चीजें समझनी रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं जस्ट अगर पंप के बारे में बोलूं, तो मैंने बोला पंप कुछ नहीं है, एक हाइड्रोलिक मशीन है जिसका एक्शन एज इट इज सेम है, जैसा हमारा टर्बाइन का था। मैंने बोला पंप एक हाइड्रोलिक मशीन है जिसका एक्शन एज इट इज सेम है, और जस्ट अगर मैं बात करूं तो ये सिंपल रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है जैसे हमारी टर्बाइन कर रही थी, टर्बाइन के जस्ट रिवर्स डायरेक्शन। मतलब अगर मैं टर्बाइन की बात करूं तो टर्बाइन के केस में मुझे अच्छे से पता है कि टर्बाइन के केस में हम लोग वाटर पावर को कन्वर्ट कर रहे थे किस में, शाफ्ट पावर में, याद है आपको, वाटर पावर को हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे शाफ्ट पावर में। अभी हमारे पास जो है वो शाफ्ट पावर है, और शाफ्ट पावर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, वाटर पावर में। दिस इज फॉर टर्बाइन और दिस इज फॉर पंप, हम यहां से जस्ट बात कर रहे हैं बेटा, ये टर्बाइन के लिए है और ये आपका यहां से पंप के लिए। अच्छा अब हम यहां से जो डिस्कशन है वो इस पे करने वाले हैं, इस पे डिस्कशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है, इस पे जो भी डिस्कशन है वो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अब यहां से जस्ट बात आती है कि सर कौन कौन से ऐसे पंप हैं जिसमें ऐसा डिस्कशन करेंगे, तो हमारे पास दो टाइप के पंप आते हैं बेटा। अगर हम यहां से जस्ट टाइप्स ऑफ पंप की बात करें तो ऑब्वियसली हमारे पास दो टाइप के पंप आते हैं, एक हमारे पास आता है जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, एक हमारे पास है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप, और एक हमारे पास है दैट इज रेसिप्रोकेटिंग पंप, और मैं दोनों ही करवाऊंगा आपको, ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। एक हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगल पंप और दूसरा हमारे पास है रेसिप्रोकेटिंग पंप। अच्छा अब यहां से सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है इनका क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूं। सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्चुअल में क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप आपका बेस होता है सेंट्रीफ्यूगल एक्शन पे, ये जो है बेटा आपका ये बेस्ड है किस पे, बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल एक्शन पे बेस्ड है। अच्छा अगर मैं इसकी जस्ट बात करूं, ये आपका एक्चुअल में जो है ये रेसिप्रोकेटिंग जो है वो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पे बेस्ड है। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म आपको पता है, मैंने शायद आपने थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ी होगी, इट इज बेस्ड ऑन स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। मैं वन बाय वन सारी की सारी चीजें आपको डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले मैं जस्ट आपको समझा देता हूं, ठीक है। ये आपका यहां से सेंट्रीफ्यूगल एक्शन पे बेस्ड है, आप सेंट्रीफ्यूगल एक्शन पे कैसे बेस्ड है उस पे जस्ट बात करना शुरू करते हैं। देखो होता क्या है, हम जस्ट बेटा यहां से बात करना शुरू करते हैं। हमने बोला कि हमने फ्लूड लिया, लेट सपोज हमारा ये पंप लगा हुआ है, पंप का बेसिक काम क्या है, फ्लूड को यहां से उठाना और दूसरी जगह पे पहुंचाना, किसी एक हाइट पे पहुंचाना। अब अगर हम एक जगह से पहुंचा के दूसरी जगह पे पहुंचा रहे हैं, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे पहुंचा रहे हैं, तो हम एक तरीका तो ये है कि हम यहां से स्लाइडिंग एक्शन के थ्रू पहुंचा लें, दूसरा ये है कि हम यहां से रोटेटिंग एक्शन, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। अब सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से जब हम इसको पहुंचाना शुरू करते हैं तो ये क्या करता है, एक जगह से वाटर को उठाता है, जैसे ही एक जगह से वाटर को उठाता है तो रोटेशन की वजह से इसमें वोर्टेक्स मोशन मिलता है, और वोर्टेक्स मोशन की वजह से फ्लूड आपका ऐसे बाहर की तरफ जाता है, और इससे हम इसको राइज कराना शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक दो लाइन है जो इसमें लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे पंप पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, पंप्स आर द हाइड्रोलिक मशीन्स वेयर द एक्शन इज ऑलमोस्ट सिमिलर। पंप्स आर द हाइड्रोलिक मशीन्स वेयर
द एक्शन इज ऑलमोस्ट सिमिलर, वेयर द एक्शन इज ऑलमोस्ट सिमिलर बट रिवर्स टू दैट ऑफ टर्बाइन, बट रिवर्स टू दैट ऑफ टर्बाइन मैकेनिज्म है ना, दिस इज मैकेनिज्म बट रिवर्स टू दैट ऑफ टर्बाइन। आप यहां से इसको लिखिएगा, इन केस ऑफ टर्बाइन आप ऐसे लिख दीजिए, बस ऐसे ही लिख लीजिए, यहां से इसको नोट कर लीजिए, वाटर पावर कन्वर्टेड टू शाफ्ट पावर दैट इज इन टर्बाइन, शाफ्ट पावर कन्वर्टेड टू वाटर पावर दैट इज इन पंप, वाटर पावर कन्वर्टेड टू शाफ्ट पावर दैट इज इन टर्बाइन, शाफ्ट पावर कन्वर्टेड टू वाटर पावर दैट इज इन पंप। और नीचे वाली लाइन से लिखिएगा, पंप्स आर ऑफ टू टाइप्स, पंप्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज सेंट्रीफ्यूगल पंप, अनदर इज रेसिप्रोकेटिंग पंप। और इनका लिख लीजिएगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे काम करता है एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है वो कैसे काम करता है। केमिकल के लिए शिवांगी बच्चे, केमिकल के लिए सुमित सर अभी कराएंगे, उन्होंने मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला है कि मैं केमिकल के लिए कराऊंगा, है ना, तो आप बेफिक्र रहिए, सुमित सर करा देंगे, है ना, बाद में जरूरत पड़ेगी तो मैं करा दूंगा, बट अभी सुमित सर करा रहे हैं तो जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहां से तो जस्ट इसमें लिख लीजिए, साइंटिफिकल पंप जो है वो साइंटिफिकल एक्शन पे बेस्ड है, रेसिप्रोकेटिंग पंप है जो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पे बेस्ड है। अच्छा, अब हेडिंग डाल लीजिए साइंटिफिकल पंप, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइंटिफिकल पंप, उसके बाद आएंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप पे। सेंट्रीफ्यूगल पंप में बेसिकली मैंने क्या बोला, देखो सबसे पहले हमारी जो शाफ्ट पावर है वो वाटर पावर में कन्वर्ट होती है। कहानी ये आती है कि सर जो शाफ्ट पावर है वो कहां से आती है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल सोर्स से शाफ्ट को पावर प्रोवाइड कराते हैं, दैट इज मोटर, मोटर से हम प्रोवाइड कराते हैं, मोटर से शाफ्ट पर पावर आती है, शाफ्ट पे हम रोटेशन एक्शन लाते हैं, रोटेशन एक्शन के थ्रू हम इसको वाटर को देते हैं। और वाटर पावर कुछ नहीं है, वाटर के पास दो टाइप की एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। मैं थोड़ा सा आपको जस्ट इसके बारे में दिखा देता हूं, अगर हम जस्ट यहां से बात करें इसके बारे में तो थोड़ा बहुत अगर आपको विजिबल हो, इसने यहां से जस्ट क्या किया, ये वाटर इस टाइप से लिया, जो भी शाफ्ट है ये हमने यहां से इसको रोटेट कराना शुरू किया, जब हमने शाफ्ट को रोटेट कराना शुरू किया तो इसने क्या किया, यहां से वाटर लिया, ये यहां से वाटर लिया, वाटर लेने के बाद यहां से इसने वाटर को एनर्जी देना शुरू की। तो जब वाटर को एनर्जी देते हैं तो एनर्जी इसके पास दो टाइप की होती है, एक होती है इसके पास काइनेटिक एनर्जी और एक होती है इसके पास प्रेशर एनर्जी, एक होती है इसके पास काइनेटिक एनर्जी, एक होती है बेटा इसके पास प्रेशर एनर्जी। इसमें मैं छोटे जस्ट यहां से दिखा देता हूं, एक्चुअल में क्या होता है, इसमें एक ये पाइप लगा रहता है, ठीक है, इसमें ये पाइप लगा रहता है, जो पाइप हम यहां से देखा होगा अपने गांव साइड में जब पानी लगाया जाता है खेतों में, तो कुछ इस टाइप से एक तालाब में पाइप को डुबो दिया जाता है, और तालाब में पाइप को डुबोने के बाद यहां पे कुछ इस टाइप से एक स्ट्रेनर लगाया जाता है, स्ट्रेनर आपने देखा होगा उस पाइप के चारों तरफ कुछ इस टाइप से लग के, फिर वहां से वाटर को शक करना शुरू करता है, जब वाटर को सक करना शुरू करता है यहां पे एक फुटबॉल लगा रहता है जो यहां से ओपनिंग बताता है, ये है आपका यहां पे फुटबॉल, ठीक है, जो पैर पे लग रहा है तो इस वजह से हमने यहां से जस्ट बोला फुटबॉल। और ये आपका सम्प है, जहां पे पानी आपका जहां पे डूबा हुआ है उसको हम बेटा नाम देते हैं सम्प का, ये आपका है सम्प, ठीक है। फिर ये स्ट्रेनर से यहां से वाटर एंट्री करना शुरू करता है, जैसे ही स्ट्रेनर से एंट्री करना शुरू करता है तो सबसे पहले ये सक्शन पाइप में जाता है, सक्शन पाइप का काम क्या है, यहां से वाटर को ले जाना इस तक, जो हमारे पास इंपेलर है। अच्छा, जैसे सक्शन पाइप में गया, दिस इज योर सक्शन पाइप, और सक्शन पाइप की जो हाइट है वो आपको पता होनी चाहिए, दिस इज नथिंग सर, ये सक्शन पाइप की हाइट को हम एच एस से डिनोट करेंगे, ठीक है। अच्छा, सक्शन पाइप में जाने के बाद हम यहां से जैसे ही इधर आता है, अब ये आता है इंपेलर पे, इंपेलर को हमने क्या कर रखा है, हाँ, फुटबॉल, राइट राइट, फुटबॉल, इंपेलर को हमने क्या रखा है, मोटर से यहां से जस्ट मूव करा रखा है, तो मोटर से ये रोटेट हो रही है, जब कॉन्टिन्यूसली मोटर से यहां से रोटेट हो रही है तो रोटेशन की वजह से ये जैसे ही वाटर इधर आता है तो ये वाटर को इधर ऐसे खींचना शुरू करता है, और जब वाटर को इधर से खींचना शुरू करता है तो वाटर इस पर ऐसे चढ़ना शुरू होता है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से ये वाटर आपका ऐसे जाना शुरू होता है। हाँ, ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए,
इस पाइप का डाया थ्रू आउट द पाइप चेंज नहीं होता है, तो कहीं पर भी अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन हो कि सर राइज कर रहा है तो वेलोसिटी घटेगा, ये गलती मत करना, ठीक है। यहां पे थ्रू आउट द पाइप आपकी जो वेलोसिटी है वो आपकी सेम रहने वाली है, दैट इज वी वेलोसिटी, ठीक है। ये आपका यहां से ओवरहेड टैंक है जहां पे आप पानी को भेजना चाह रहे हैं, ये आपका यहां से ओवरहेड टैंक है जहां पे आप पानी को भेजना चाह रहे हैं, ये आपका बच्चे यहां से डिलीवरी पाइप है जहां से आप डिलीवरी कर रहे हैं, उसको आप यहां से डिलीवरी पाइप बोलते हैं, ठीक है। ये वॉल्व है, जब आपको डिलीवरी करनी होती है तो वहां से डिलीवरी करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम इस वॉल्व को डिलीवरी वॉल्व बोलते हैं, इसलिए हम इसको डिलीवरी वॉल्व बोलते हैं, अगर आप यहां से जस्ट देख रहे हैं, ठीक है। बाकी यहां पे कुछ है नहीं, ये जो आपका यहां से इंपेलर बना रहता है, इंपेलर को हम जहां पे फिट करते हैं दैट इज नोन एज आई ऑफ इंपेलर, ये हमारे पास है आई ऑफ इंपेलर है, और इंपेलर पे हम यहां से केसिंग लेते हैं। केसिंग इन जनरल हम जो लेके चलते हैं वो स्पाइरल केसिंग लेके चलते हैं, स्पाइरल केसिंग इन द सेंस आपको पता है कि एरिया कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली जो बात है उसको हम स्पाइरल केसिंग की बात करते हैं, ठीक है। दिस इज योर इंपेलर, ये इंपेलर है, इंपेलर यहां से हमने जस्ट ले लिया, और ये गेज लगा रखा है जो आपको यहां से प्रेशर बताता है। अब यहां से प्रेशर क्या बताता है आप क्लियरली समझिएगा, एक्चुअल में क्या होता है जब ये फ्लूइड ऊपर उठता है तो इस पर प्रेशर धीरे 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 घटता है, तो यहां पर आके ना वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और इस वजह से हम यहां पर जो गेज लगाते हैं वो वैक्यूम गेज लगाते हैं ताकि वो कॉन्टिन्यूसली ये बता दे कि हाँ प्रेशर कितना लोअर देन द एटमॉस्फेरिक है, कितना प्रेशर लोअर देन द एटमॉस्फेरिक, दैट्स व्हाई वी जस्ट सिंपली से इट इज अ वैक्यूम गेज, है ना। और यहां से ये बेटा डिलीवरी पाइप है जिसकी हाइट को हम यहां से एच डी के नाम से जानते हैं, बस इतनी सी कहानी है इसकी, बाकी अभी मैं इसके डायग्राम में आपको दिखाता हूं, क्लियर है। तो इतना पॉइंट मेरे ख्याल से जस्ट अगर इसको जस्ट चलते हुए देखना है तो आप यहां से देख सकते हैं कुछ, अगर आपको विजिबिलिटी हो, अगर रियल में देखेंगे जाके मार्केट में तो आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये आपकी शाफ्ट है, यहां से कॉन्टिन्यूसली दिख रहा है, ये इस पे केसिंग लगी हुई है, ये यहां से जो दिख रहा है वो आपकी ये शाफ्ट है, ये यहां से जस्ट दिख रहा है जो आप यहां से मूव हो रही है, ठीक है। यहां से कॉन्टिन्यूसली डिफ्यूजर पैसेज, उसने इंपेलर वगैरह सारी चीजें बता रखी है, और अगर ध्यान से देखोगे तो आप ऐसे देख पाओगे, ये वॉटर ऐसे ले रहा है, ये वॉटर ऐसे ले रहा है, और ड्यू टू सेंट्रिफ्यूगल एक्शन आपका जो वॉटर है वो कॉन्टिन्यूसली ऊपर जाता हुआ दिख रहा होगा आपको। ड्यू टू सेंट्रिफ्यूगल एक्शन वॉटर आया, यहां से इसने मूव कराना शुरू किया और ऐसे ऊपर भेजना शुरू कर दिया। अब मेरी बात सुनना, इसमें ना सबसे ज्यादा जो आपके लिए अभी कंफ्यूजिंग होगा, जो पहले के सेंट्रिफ्यूगल पंप आया करते थे उनमें हमें प्राइमिंग की नीड पड़ती थी। अब आपको यह पता होना चाहिए व्हाट इज प्राइमिंग। कोई बच्चा मुझे बता सकता है प्राइमिंग क्या होता है? एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज प्राइमिंग? चलो नहीं बताना है तो जस्ट सेंट्रिफ्यूगल पंप में एक दो पॉइंट लिख लो, फिर मैं प्राइमिंग के बारे में बताता हूं। लिखिए, इन सेंट्रिफ्यूगल पंप, ये बनाया है आप लोगों ने, ये डायग्राम आप लोगों ने बनाया है क्या? इसको बनाना पड़ेगा आपको, आप इसको बना लीजिएगा, है ना, नहीं हो तो बाद में बना लीजिएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बस इसमें एक दो लाइनें लिख लीजिए। सेंट्रीफ्यूगल पंप, इन सेंट्रीफ्यूगल पंप शाफ्ट पावर इज टेकन फ्रॉम उसमें पहले पानी फिल करते हैं, क्यों करते हैं बस उस पर डिस्कशन करना है, ठीक है, अभी बताता हूं। शाफ्ट पावर इज टेकन फ्रॉम एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लाइक मोटर, and it will be converted to water power, that is water power के bracket में लिख लेना, that is करके नहीं bracket में लिख लेना, kinetic energy and pressure energy mainly it is converted to water power, kinetic energy and pressure energy mainly by centrifugal action,
चलो अब देखो सुनो, जो पुराने सेंट्रीफ्यूगल पंप हुआ करते थे, आपने देखा होगा कि जब हम मतलब गांव में देखते थे तो गांव में ना पहले के जो सेंट्रीफ्यूगल पंप जितने भी पंप लगते थे उनमें कहीं ना कहीं से प्राइमिंग करनी पड़ती थी। और प्राइमिंग हम क्यों करते थे, हमें इस चीज के बारे में जानना है। तो प्राइमिंग एक्चुअल में क्या होता था कि जैसे हमने ये पाइप लिया, ठीक है, अब ये पाइप है, इसका सम्प यहां पे, इसका सम्प यहां पे। अब इस सम्प में आपने जस्ट सोचना शुरू किया कि यार मुझे ना वाटर चाहिए यहां से लेके यहां तक। आपको एक चीज तो पता है कि जो भी प्रेशर हेड होगा वो प्रेशर कॉन्टिन्यूसली किस पे डिपेंड करेगा, P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच पे। और मेरे बच्चे जब रो इंटू जी इंटू एच पे डिपेंड करता है तो एक्चुअल में हम देखते हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है। और जब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है, अगर इस पाइप में पूरे के पूरे पाइप में एयर है, लेट सपोज वाटर आपका नीचे चला गया और यहां पे कोई वाटर नहीं है और इसमें एयर है, तो कितने लोग इस बात को समझ सकते हैं कि मुझे रो ऑफ द एयर के बारे में अगर बोलेगा तो रो ऑफ द एयर कितना है, 1.2 किलोग्राम केजी पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ द एयर बहुत कम होती है और मुझे पता है कि जो भी हेड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है। और अगर हेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है, मेरा ऑडियो आ रहा है क्या आप लोगों तक? मेरा ऑडियो आ रहा है क्या आप लोगों तक? ऑडियो आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा। एक मिनट रुकिए, मैं चेक करके बता दूंगा ना। जरा अभी कहानी बताएं एक बार, ऐसा भी पिछली क्लास में भी हो रहा था, आज ये बार बार क्रैश कर जा रहा है। अभी मुझे एक बार बताएं कि अभी आ रहा है क्या ऑडियो, अब बताएं जरा, अब बताएं क्या अभी क्लियर है? अभी बताएं एक बार, दिखाई सुनाई दे रहा है क्या? कुछ देर पहले फ्लैश आउट हुआ था। ऑडियो आ रही है अभी, बताओ अभी ऑडियो वीडियो आ गई है क्या? अभी ठीक है, चलो। हाँ, तो मैं एक्चुअल में बात कर रहा था कि जो पुराने सेंट्रीफ्यूगल पंप हुआ करते थे, पुराने सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक्चुअल में हमें प्राइमिंग की जरूरत पड़ा करती थी। अब बात आती है कि सर ये प्राइमिंग एक्चुअल में होती क्या है, तो हम जस्ट एक छोटा सा पॉइंट मुझे डिस्कस करना था। मैंने जस्ट बोला कि अगर मैं P इज इक्वल टू रो जी एच की बात करूं तो इसका जो हेड है ना वो हेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है। अब अगर हेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, यहां पे पूरे में वाटर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसके में पूरा पूरा एयर है और एयर का बेटा जो डेंसिटी है वो हो जाता है 1.2, मुझे अच्छे से पता है। और अगर मैं वाटर की डेंसिटी की बात करूं तो वाटर का डेंसिटी है आपके पास 1000 और मुझे पता है कि वाटर का डेंसिटी एयर की डेंसिटी के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है। तो हमें हाई हेड बनाने के लिए हम चाहते हैं कि इसमें हेड जो है वो पूरा का पूरा यहां तक का हेड है, तो पूरा का पूरा हेड मेरा यहां से यहां तक क्रिएट हो जाए। और जब क्रिएट हो जाए तो इस वजह से हम क्या करते थे, यहां से आपका डिलीवरी पाइप, आपका सक्शन पाइप, यहां से प्राइमर जो आपका यहां से जस्ट इंपेलर है, यहां से पूरा का पूरा डिलीवरी पाइप, सक्शन पाइप, इंपेलर, पूरा का डिलीवरी पाइप पूरा नहीं, जहां तक इतनी जगह है इसमें, ये पूरा का पूरा हम फिलअप करते थे वॉटर से। एंड सच The process, such a process is known as priming. Priming is nothing. हमें just दिखता है कि air आ जाती है और air की वजह से air की density बहुत कम होती है, तो वो head create नहीं हो पाता।
और हेड क्रिएट ना होने की वजह से हमारा जो वाटर है वो ऊपर आ ही नहीं पाता है। तो हम क्या करते हैं, इस एयर की जगह पे वाटर को भरते हैं। अब ऑब्वियसली वाटर डेंसर है, तो वाटर जैसे ही डालना शुरू करते हैं तो वाटर तुरंत नीचे आना शुरू हो जाता है, एयर आपके पास हो जाती है। जैसे एयर आपके पास हो जाती है वैसे ही आपका वाटर ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो सच अ प्रोसेस इज नोन एज प्राइमिंग, ठीक है। कभी कभी आपने ऐसा भी देखा हो कि पुराने, बहुत पहले, आप तो खैर अब तो बच्चे हो, हमारे टाइम पे ऐसा ही होता था कि जब पूरा का पूरा पानी चलता ही नहीं था तो क्या करते थे, मिट्टी घोलते थे और वो मिट्टी घोल के डालते थे ताकि मोर डेंसर बनाया जाए। जब ज्यादा डेंसर बनता था तो जल्दी एयर पूरी की पूरी निकलती थी और फिर वाटर आपका जाना शुरू हो जाता था, ठीक है। तो पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए बेटा, प्राइमिंग क्या होता है। तो प्राइमिंग इज ओके, आप यहां से लिख लो, आप यहां से लिख लो इसमें ओल्ड सेंट्रीफ्यूगल पंप्स प्राइमिंग लिख लीजिएगा एक बार, प्राइमिंग लिख लीजिएगा ओल्ड सेंट्रीफ्यूगल पंप्स नीडेड प्राइमिंग, ओल्ड सेंट्रीफ्यूगल पंप नीडेड प्राइमिंग which is the action of filling, which is the action of filling suction pipe, which is the action of filling suction pipe impeller casing, impeller casing एंड पार्ट ऑफ डिलीवरी पाइप, ठीक है, पार्ट ऑफ डिलीवरी पाइप। मैं अगेन बोल रहा हूं, ओल्ड पंप, ओल्ड सेंट्रीफ्यूगल पंप नीडेड प्राइमिंग, ओल्ड सेंट्रीफ्यूगल पंप नीडेड प्राइमिंग विच इज द एक्शन ऑफ फिलिंग, एक्शन ऑफ फिलिंग सक्शन पाइप इंपेलर केसिंग पार्ट ऑफ डिलीवरी पाइप विद वॉटर। नीचे वाली लाइन से इसी में लिख लेना, प्राइमिंग वॉज नीडेड, नीचे वाली लाइन से लिख लेना, प्राइमिंग वॉज नीडेड बिकॉज द हेड डेवलप्ड बाय द पंप, प्राइमिंग वॉज नीडेड बिकॉज द हेड डेवलप्ड बाय द पंप is directly proportional to the density of fluid, density of fluid which is in contact with the impeller, which is in contact with the impeller, which is in contact with the impeller, ठीक है। तो हमें यहां से impeller के contact में जो fluid लाना होता है वो water लाना होता है, बस इतनी सी कहानी। एक इसका principle लिख लेना, principle of centrifugal pump, principle of centrifugal pump इसमें लिखिएगा, principle of centrifugal pump में when the pump is started, when the pump is started by the motor, principle of centrifugal pump, when the pump is started by the motor, water is forced to rotate with impeller, water is forced to rotate with impeller at high speed, water is forced to rotate with impeller at high speed and it developed a forced vortex motion, due to which
ड्यू टू विच इट थ्रोन अवे फ्रॉम द सेंटर, इट थ्रोन अवे फ्रॉम द सेंटर टू थ्रोन अवे फ्रॉम द सेंटर टू पेरिफेरी, टू पेरिफेरी वेयर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड टू प्रेशर एनर्जी, वेयर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड टू प्रेशर एनर्जी एंड फाइनली इट डिलीवर्ड एंड फाइनली it delivered to higher altitude bas itna likho ya likh lo where potential energy is given higher altitude where potential energy is given to maine bas itna hi bola hai maine just yahan se bola ki sabse pehle hum yahan se isko rotate karte hain shaft ko शाफ्ट को जैसे रोटेट करते हैं तो वाटर इसके कांटेक्ट में आता है तो जिस रेट से आपका इंपेलर रोटेट कर रहा है उसी रेट से वाटर रोटेट करना शुरू करता है और जब वाटर रोटेट करना शुरू करता है तो इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल एक्शन आता है। सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से हमें यहां से फोर्स वोर्टेक्स मोशन मिलता है। फोर्स वोर्टेक्स मोशन की वजह से ये इसको बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करता है आउट ऑफ द पेरिफेरी और बाहर की तरफ फेंकने की वजह से ये इधर आता है और जैसे ही इधर आता है वैसे ही हम यहां से क्या करना शुरू करते हैं पूरी की पूरी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं तो ये यहां पे आके फुल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जब तक आपका वाटर जो है वो पाइप में है तब तक आप हमेशा यही जानेंगे कि पाइप के अंदर काइनेटिक एनर्जी इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। ठीक है, बस इतनी सी बात है, इतना पॉइंट आई होप सबको क्लियर होगा। अभी हम लोग यहां से जस्ट नेक्स्ट पार्ट पे बच्चे बात कर रहे हैं जो अभी हमने यहां पर डिस्कशन भी किया था। ये देखो यहां से वाटर आ रहा है, वाटर आने के बाद ये फोर्स वोर्टेक्स मोशन की वजह से ये यहां से पेरिफेरी की तरफ फेंकता हुआ जा रहा है और इसकी वजह से ये डायरेक्टली ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जरा यहां से आगे डिस्कशन करते हैं एनालिसिस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। बहुत ज्यादा अब एनालिसिस की बात नहीं है, जो आपको समझना है वो मैं समझा देता हूं। अब बार बार वही वेलोसिटी डायग्राम्स को दोबारा शुरू से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बच्चे यहां से जो बात कर रहे हैं दैट इज एनालिसिस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब जरा एनालिसिस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करते हैं, एनालिसिस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, अच्छा एनालिसिस में क्या है, हम जस्ट पंप के बारे में ही बात कर रहे थे और अगर पंप के बारे में बात कर रहे तो अब हमें अच्छे से पता है कि सर हमारा जो भी वाटर पावर है, जो भी वाटर पावर है वही हमें बनाना है विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट पावर। तो हमें फिर से वही ब्लेड बनाना है, फिर से हमें वही ब्लेड बनाना है। ये हमारे पास कोई ब्लेड होगा और इस ब्लेड पे हमें पूरा का पूरा डिस्कशन करना है। बस आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक चीज याद रखनी है और वो चीज क्या याद रखनी है कि सर जैसे हमने रिएक्शन टर्बाइन देखा था तो हमें एग्जिट जो दिखा था वो रेडियल दिखा था, तो हम इसके बारे में जब बात कर रहे हैं तो हमें यह चीज क्लियर होना चाहिए कि सर हमारी एंट्री जो है वो रेडियल है, हमारी एंट्री जो है वो रेडियल है। ये यहां से ओमेगा वेलोसिटी से चल रहा है, एन रोटेशन हो रहा है, तो हमें पता है कि अगर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मुझे यू दिख रही है तो ये इसका रिलेटिव वेलोसिटी बनता है। दैट इज हमने यहां से बोला ये वी वन है, ये हमारे पास यू वन है और ये हमारे पास वी आर वन हो जाएगा। वी वन इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, वी एफ वन हो जाएगा। वी वन इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, वी एफ वन हो जाएगा। अब मैंने बोला कि ये यहां से निकलेगा जाके किससे, ये यहां से निकलेगा जाके वी आर टू से, करेक्ट, ये यहां से निकलेगा जाके वी आर टू से। अब यहां से जस्ट इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी की सर बात करें तो ये हमें यहां से मिल जाता है वी एफ टू और बीटा हमें कुछ इस टाइप से, ऐसा जरूर जैसा बोल देगा वैसा हम करेंगे, जैसा बोल देगा वैसा करेंगे। और ये हमारे पास यहां से जस्ट मिलेगा वी टू, हम यहां से जस्ट बोलेंगे वी एफ टू और वी टू के बीच में ही यू टू है, दैट इज इक्वल टू वी डब्ल्यू टू। ये वाली कहानी हमको ऐसे मिल जाएगी, बस ये हमें यहां से याद रखना है। दिस एंगल इज नथिंग, ये फाई है और ये एंगल बेटा आपके पास जो है वो बीटा है, करेक्ट, कुछ इस टाइप से। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये एंगल अल्फा है और अल्फा जो हमें दिखता है वो यहां पे कितना दिखता है, 90। ये आपको बस याद रखना है, जब भी आपसे बात करता है तो हमेशा सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में एंट्री जो होगी वो आपकी रेडियल होगी, बस इतनी सी पार्ट आपको याद रखना है। इन जनरल जो याद रखना है वो बस इतना, एंट्री हमारी रेडियल है, अल्फा 90 ध्यान रखना,
इन जनरल जो कहानी है वो आपको याद रखनी, मैं लिख देता हूं। इन जनरल अगर आपसे जस्ट बात करे साइंटिफिकल पंप के केस में, तो अल्फा आपको जो लेके चलना है वो 90 लेके चलना है, बिल्कुल क्लियर। आपको यहां से VW1 जो लेके चलना है, VW1 हमारे पास कितना था आपको क्लियर है, VW1 हमारे पास सर जो वैल्यू था वो VR1, यहां से जो वैल्यू था हमने यहां से V1 लिया था और ये पूरा का पूरा VW1 मिला करता था, अगर आपको याद है तो VW1 इसके केस में आता है 0, ठीक है। VW1 आपके पास 0 आ जाता है। और अगर मैं यहां से जस्ट और तो बस कुछ है नहीं जिसके बारे में हम लोग यहां से बात करना शुरू करें, बस इतनी सी बात है। बस अगर चाहो तो ऐसे और लिख सकते हो कि सर VF1 इज इक्वल टू जो है वो V1 है इन जनरल, जो मुझे याद रखना है, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। बाकी अगर यहां से जस्ट बात करें तो R1 की बात कर दो चाहे D1 की बात कर दो, R1 की बात कर दो चाहे D1 की बात कर दो, R1 और D1 की बात करें तो ये रेडियस होगी या डाया होगी एट द इनलेट ऑफ इंपेलर, ठीक है। आप R1 अगर D1 लिख दे तो R1 इज आइदर रेडियस की बात करेगा और डाया की बात करेगा एट इनलेट ऑफ इंपेलर, ठीक है, एट इनलेट ऑफ इंपेलर, इंपेलर के इनलेट पे ये रेडियस की बात कर रहा है। या सिमिलरली अगर वो R2 और D2 की बात करेगा तो ये बेटा आपका रेडियस होगा या डाया होगा एट आउटलेट ऑफ इंपेलर, ठीक है, एट आउटलेट ऑफ इंपेलर। U1 की बात करोगे तो U1 इज इक्वल टू आप क्लियरली लिख दोगे पाई D1N डिवाइड बाई 60, और U2 की बात करोगे तो ये आ जाएगा पाई D2N डिवाइड बाई 60। जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए सेंट्रीफ्यूगल का तो बस इतना आपको छोटा सा पॉइंट जो है वो बस याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी फालतू की चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आप जस्ट सोच सकते हो सर मेरा क्वेश्चन कैसा आएगा, बस ये बता देते तो हम यहां से अपना तसल्ली में अपना क्वेश्चन करना शुरू कर देते। मैंने बोला क्वेश्चन में कुछ नहीं, आपको वर्कडन याद रखना है। मुझे जरा एक चीज बताओ, अगर मैं वर्कडन निकालूंगा तो वर्कडन का फॉर्मूला जो है वो क्लियरली क्या मैं ये लिख सकता हूं कि सर वर्कडन पर सेकेंड इज इक्वल टू नथिंग, इट इज इक्वल टू मास फ्लो रेट इन ब्रैकेट VW1 U1 और प्लस का VW2 इनटू U2। क्या ये वर्कडन होगा मेरा? अगर मैं वर्कडन को लिखना चाहूं तो मैं यहां से क्या इतना लिख सकता हूं ये मेरा वर्कडन होगा, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? या वर्कडन का कोई और फॉर्मूला है जो आपने कहीं पे पढ़ रखा है तो मुझे जल्दी से बता दें कि हाँ इसके अलावा भी कोई फॉर्मूला सर हमने पढ़ा है जो आपने बताया था बट अभी आपने नहीं बताया, ठीक है। ऐसे ही कुछ था क्या VW1 U1 VW2 U2 ऐसे ही कुछ था जैसे हमने मल्टीप्लाई करा दिया अंदर ले जाके? आप लोग को मेरी ऑडियो वीडियो अभी आ तो रही है ना, ऐसा तो नहीं ऑडियो वीडियो ना आ रहा हूं? अब मेरे बच्चे हमने जस्ट बोला कि अगर मैं पंप को देखूंगा तो पंप के केस में ना एंट्री रेडियल है, और अगर एंट्री रेडियल है तो इसका मतलब ये श्योर है कि VW1 इज इक्वल टू 0 है, और अगर VW1 इज इक्वल टू 0 है तो ये वाला टर्म आपको मिल जाएगा 0। हमने यहां से बोला कि सर वर्क डन पर सेकंड की अगर बात करोगे तो मास फ्लो रेट इन ब्रैकेट VW2 इनटू आपके पास आ जाएगा U2 आ जाएगा, मास फ्लो रेट इनटू VW2 इनटू U2 आ जाएगा। बट ये यूनिट जो आएगी बच्चे वो वही आएगी जूल पर सेकंड, ठीक है। अगर वर्क डन पर वेट पर यूनिट वेट रख दे, वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट यहां से वेट रख दे तो इट इज ऑब्वियसली आप यहां से जस्ट बोलेंगे मास फ्लो रेट इन ब्रैकेट VW2 इनटू U2 डिवाइडेड बाय आपके पास यहां से आ जाएगा मास फ्लो रेट इनटू G, मास फ्लो रेट उड़ जाएगा और आपके पास आ जाएगा VW2 U2 डिवाइडेड बाय G। बट ये जो यूनिट आएगी बेटा वो आपके पास आएगी जूल पर kg, करेक्ट। यहां से जूल पर केजी, यहां से जो मास फ्लो रेट उड़ जाएगा, आप चाहें तो डायरेक्टली निकाल सकते थे बट कोई इशू नहीं, यहां से केजी पर सेकंड से हटा देंगे तो सेकंड चला जाएगा, बस केजी बचेगा। अच्छा चलो इतनी कहानी हो गई। नेक्स्ट वर्कडन पर सेकंड के अलावा सर और कुछ पूछ सकता है? बिल्कुल पूछेगा। वर्कडन को अगर निकालना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि सर इसमें सारी की सारी वेलोसिटीज में भी तो चेंजेस आ रहे होंगे ना, आप यहां से वर्कडन पर सेकंड को ऐसे भी तो निकाल सकते थे सर। आप बोलोगे सर कैसे निकाल सकते थे? मैंने बोला कुछ नहीं, मुझे पता है कि जितनी आपने शाफ्ट को पावर दी
वो पूरी की पूरी शाफ्ट कहां पे जा रही, वाटर को पावर दे रही। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर अगर टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लें तो वो भी तो वर्क डन के बराबर ही आएगी। तो कहीं पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको वर्क डन निकालना हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं सर, 1/2 मास फ्लो रेट इन ब्रैकेट आपके पास v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर प्लस u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर प्लस vr1 माइनस vr2 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट आप यहां से लिख सकते हैं v1 इज ग्रेटर देन v2, u1 इज ग्रेटर देन u2 और यहां से vr1 इज ग्रेटर देन vr2, ऐसे लेके चल सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा पार्ट आएगा। अगर आपने यहां से लिखा तो सर आप बोल सकते हैं कि सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, आप पंप को पावर दे रहे हैं ना, तो फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए सर। अगर फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए तो आप यहां से लिखेंगे v2 माइनस v1। मैं रेड कलर से लिख रहा हूं इसीलिए मैं आपको जस्ट कि आपको क्लियर रहे, ये v2 माइनस v1, u2 माइनस u1, vr2 माइनस vr1। तो साइन कैसे हो जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे, बस इतनी सी कहानी, ठीक है। अब वर्क डन पर सेकंड के बाद हमें छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे। देखो अब आपको छोटे छोटे पॉइंट्स आपको कैसे याद रखने, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नंबर 1 इफिशियंसीज पे। कौन सा पार्ट आ गया, ये हमारे पास नंबर 2 था। नंबर 3 हमारे पास आ गया मैनोमेट्रिक इफिशियंसी की। बेटा अगर हम बात करें तो व्हाट इज मैनोमेट्रिक इफिशियंसी, मैनोमेट्रिक इफिशियंसी सर होती क्या है, मुझे अभी यही नहीं पता है। तो जब भी मैनोमेट्रिक इफिशियंसी की बात करें तो आप यहां से जस्ट बोलते हैं सर मैनोमेट्रिक इफिशियंसी इज नथिंग, इट इज इक्वल टू मैनोमेट्रिक हेड, जितना हेड आपको यहां से क्रिएट करना है या जितना हेड आप क्रिएट कर रहे हैं डिवाइडेड बाई हेड इंपार्टेड बाई द इंपेलर टू द वॉटर। मैनोमेट्रिक हेड मतलब जो आप हेड बता रहे हैं और कितना इंपेलर हेड बना पा रहा है, हेड इंपार्टेड बाई द इंपेलर, और हमने बोला इट इज डिवाइडेड बाई क्या, मैनोमेट्रिक। हम सिंपली जस्ट बोलते हैं मैनोमेट्रिक इफिशियंसी इज नथिंग, इट इज इक्वल टू मैनोमेट्रिक हेड डिवाइडेड बाई, अभी मैं सारे रिलेट कर दे रहा हूं है ना, आपका टर्बाइन और पंप दोनों को रिलेट कर दे रहा हूं, और डिवाइडेड बाई हेड इंपार्टेड बाई इंपेलर, इंपार्टेड बाई इंपेलर, किसको इंपेलर किस पे इंपार्ट कर रहा होगा, वाटर पे, टू वाटर, ठीक है। अब हेड इंपार्टेड बाय इंपेलर टू द वाटर, आपने यहां से बोला कि सर कैसे हेड इंपार्टेड बाय द इंपेलर टू द वाटर, अगर हम यहां से जस्ट बोले तो सर क्या मतलब सिंपल सा, क्या मैं यही बोल सकता हूं कि सर जो इंपेलर काम दे रहा है उसी की बात कर रहे हो क्या? मैंने कहा हां बात तो वही है। तो अगर मैनोमेट्रिक हेड की बात करोगे तो ये कौन सा मैनोमेट्रिक हेड की बात कर रहे हो? मैंने बोला कुछ नहीं, कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, मैनोमेट्रिक हेड आपके पास है h डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखना हेड इंपार्टेड बाई द इंपेलर क्या है सर, अभी अभी तो निकाला है vw2 u2 डिवाइडेड बाई g, ठीक है, ये h को लिया है तो इसी के फॉर्म में ले, तो आपके पास फॉर्मूला बन जाता है gh डिवाइडेड बाई vw2 और u2, हो गई मैनोमेट्रिक इफिशियंसी खत्म, हो गई मैनोमेट्रिक इफिशियंसी। आपसे जैसे अगर पूछ लेता कि मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होती है तो आप बोलेंगे सर मैकेनिकल इफिशियंसी क्या है, जो इंपेलर की पावर है शाफ्ट से आ रहा है। तो मैकेनिकल इफिशियंसी अगर आपसे पूछ लेता है, नंबर 4 इज मैकेनिकल इफिशियंसी, अगर वो मैकेनिकल इफिशियंसी पूछता है तो इट इज इक्वल टू इंपेलर पावर डिवाइडेड बाई शाफ्ट पावर। अब इंपेलर पावर शाफ्ट पावर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए कि सर हम इंपेलर पावर शाफ्ट पावर को देखना चाह रहे थे बट मुझे पता नहीं, वो बताएगा इंपेलर पावर क्या है, वो आपको अभी यही अभी हमने जैसे हेड डिवाइडेड बाई द इंपेलर, यही है इंपेलर पावर, ठीक है। शाफ्ट पावर क्या है वो बताएगा कि हम इतनी पावर सप्लाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जनरेटर, इतने किलोवाट का जनरेटर है, इतने पावर का जनरेटर है, जो भी है वो कुछ ना कुछ बताएगा जरूर। तो आप यहां से जस्ट ले लेंगे, आप यहां से ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर ये कुछ नहीं है, ये मोटर का है, मोटर की रेटिंग बताएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम शाफ्ट पावर करें। इंपेलर पावर में निकाल चुका हूं तो आप मैकेनिकल इफिशियंसी को डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहां से कितना आ जाएगा बेटा vw2 u2 डिवाइडेड बाई g और इन टू शाफ्ट पावर,
और शाफ्ट पावर इज नथिंग, इट इज मोटर पावर। ठीक है, यहां से मोटर पावर ऐसा भी आ सकता है। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी के बारे में अगर बात करें, अभी मैं सब रिलेट कर रहा हूं एक साथ, है ना, सारा का सारा एक साथ रिलेट कर रहा हूं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास फोर्थ आ जाएगा कि अगर वो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी की बात करता है, ये फिफ्थ आ जाएगा। फिफ्थ वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या होगा सर, मुझे वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी भी बता देते तो हो जाता। अरे यार अगर वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी की बात करें तो मैंने बोला कि भैया पंप को कितना पानी दिया और कितना उसने डिलीवर किया, बस हो गया। तो हमने यहां से जस्ट बोला, हमने जस्ट यहां से बोला कि सर अगर मुझे वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी निकालनी है तो मैं बहुत आराम से जस्ट बोल सकता हूं कि क्यू पंप में कितना एंटर किया था और क्यू पंप ने कितना डिलीवर किया। तो इट इज नथिंग, इट इज क्वांटिटी ऑफ वॉटर डिलीवर्ड बाई द पंप, वॉटर डिलीवर्ड बाई पंप, यहां से, और पंप के अंदर कितनी क्वांटिटी एंटर की, पंप के अंदर कितनी क्वांटिटी एंटर की। अच्छा, इसका मतलब यह है कि जितनी क्वांटिटी एंटर की है उसमें से कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा होगा ना। तो अगर बाई चांस अगर आपसे बात करे कि कुछ नुकसान हो रहा, वो कैसा हो रहा है, वो एक्चुअल में आप यहां से क्वांटिटी निकालेंगे लीकेज, कि सर वो लीकेज जो हो रहा है वो लीकेज कितना हो रहा है। मैंने बोला कुछ नहीं, जितनी एंटर किया है, जितनी क्वांटिटी एंटर की है माइनस, आप यहां से जस्ट बोलेंगे जितनी डिलीवर की है, जितनी यहां से डिलीवर की है, तो आप क्लियरली ये चीज बता सकते हैं कि सर जितनी लीकेज हुई है, जितनी डिलीवर हुई है, इसी को बोलते हैं हम यहां से, सॉरी जितनी एंटर हुई है जितनी डिलीवर हुई है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उतना सर लीक हो गया होगा, अदरवाइज बाकी सब कुछ ओके है। अब जरा मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं, वो छोटा सा पॉइंट अगर आपको समझ में आ जाए तो मेरे ख्याल से सारी की सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखना जरा, मैं ओवरऑल इफिशियंसी थोड़ी देर में बताता हूं, ओवरऑल इफिशियंसी थोड़ी देर में बताता हूं। जरा याद करो जब हम शाफ्ट के पास थे, तो शाफ्ट के केस में मेरे पास सबसे पहले हुआ करता था वाटर, ध्यान करना, वाटर से हम लोग जाते थे रनर पे, याद होगा, रनर से बचे हम लोग इधर जाते थे कहां पे, शाफ्ट पे, याद होगा, मेरे ख्याल से इतना तो याद होना चाहिए। अच्छा, इसके केस में हम लोग जस्ट उल्टा कर रहे हैं, हम इसके केस में जस्ट उल्टा, टरबाइन के केस में हम रनर बोलते हैं, पंप के केस में हम इंपेलर बोलते हैं, बस इतना सा फर्क है। अब हम यहां से थे शाफ्ट पे, यहां से थे शाफ्ट पे, शाफ्ट से आए इंपेलर पावर पे और इंपेलर से आए हम वाटर पावर पे, ठीक है, दोनों ही चीजें सेम है, बस हमने नाम बदल दिया है, हम यहां पे आ गए वाटर पावर पे। अब यहां से कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आप बताना क्या चाह रहे हैं। मैंने बोला कि देखो कुछ नहीं बताना है, आप अगर ध्यान कर पाए तो हमने सबसे पहले यहां पे रनर पावर डिवाइडेड बाई वाटर पावर निकाला था और यहां पे शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाई रनर पावर निकाला था। तो अगर मैंने रनर पावर डिवाइड बाई वाटर पावर निकाला होगा, ये कौन सी इफिशियंसी थी, और शाफ्ट पावर बाई रनर पावर निकाला था वो कौन सी इफिशियंसी थी, और यहां से जो इन दोनों को कंपेयर किया था, दैट इज शाफ्ट पावर, मैं हटाई देता हूं उसको, है ना, यहां से जब हमने कंपेयर किया था बच्चे, तो ये था हमारे पास शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाई वाटर पावर, ये कौन सी इफिशियंसी थी, जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से मुझे ये इफिशियंसीज बता दो। आई होप मतलब आपने अगर पढ़ा है तो आपको याद होगा, ये आपको याद होगा, मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। सिमिलरली हम इसके केस में जब चलते हैं तो उल्टे चलते हैं, अब उल्टे चलते हैं तो हमारे पास ये मिलता है इंपेलर पावर डिवाइडेड बाय शाफ्ट पावर, ये मिलता है वाटर पावर डिवाइडेड बाय इंपेलर पावर, ठीक है, और यहां से आ जाता है वाटर पावर डिवाइडेड बाय शाफ्ट पावर, इसकी इफिशियंसी हमको ऐसे मिल जाती है। बताइए जल्दी से, जल्दी से बताएं, अगर आपको याद हो, आपको यहीं पे याद हो जाएगा, अगर एक चीज याद है तो दूसरा आपको कंटेंट तुरंत याद हो जाना चाहिए। ये मेरे ख्याल से आपको याद होगा, ये इफिशियंसी जो थी, ये जो इफिशियंसी थी वो हाइड्रोलिक इफिशियंसी थी,
ये मेरे ख्याल से जो एफिशिएंसी थी वो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी थी, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। और ये जो एफिशिएंसी सिमिलरली आएगी ये आपके पास आ जाएगी यहां से मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक है, सेम ही है। ये हाइड्रोलिक एफिशिएंसी थी, ये आ गई आपके पास मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। ध्यान से देखिए, बस उल्टा हो गया, इसमें रनर पावर बाई वाटर पावर था, इसमें वाटर पावर बाई इंपेलर पावर हो गया। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो उसको बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। अब हमने यहां से रनर पावर बाई शाफ्ट पावर लिया था तो ये मैकेनिकल एफिशिएंसी मिला था, ये मैकेनिकल एफिशिएंसी मिला था, याद है, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। अच्छा, अब हमने यहां से जस्ट बोला तो मुझे सर इंपेलर पावर बाई शाफ्ट पावर, अगेन सर मैकेनिकल एफिशिएंसी, अगेन सर मैकेनिकल एफिशिएंसी। और सुनो, ये शाफ्ट पावर बाई वॉटर पावर था, ये हमारे पास ओवरऑल एफिशिएंसी थी, यहां से ओवरऑल एफिशिएंसी थी, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी, ओवरऑल एफिशिएंसी आ जाएगी। क्या याद रख पाओगे सारी चीजें, क्या याद रख पाओगे सारी चीजें, एक बार चेक करिए, मैंने सारी चीजें यहां पे लिख दी हैं, क्या आप सारी चीजें याद रख पाएंगे? बहुत आसान है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है जिसके लिए आप बोले कि नहीं सर मुझे नहीं पता, आप बहुत आराम से इसको याद रख सकते हैं। समझ गए? तो मतलब अगर मैं ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करूं, अगर मैं ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करूं, इट इज नथिंग, इट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, वाटर पावर डिवाइडेड बाय शाफ्ट पावर, वाटर पावर डिवाइडेड बाय शाफ्ट पावर। और अगर हम यहां से वाटर पावर की बात करें तो एक्चुअल में आपको जस्ट याद रखना है कि हमने कितना स्टैटिक हेड डेवलप किया, जितना इसका आउटलेट पे जो डायग्राम है वो नहीं याद नहीं रखना, याद नहीं रखना डायग्राम, याद नहीं रखना है, बस अगर आप बेसिकली याद रख सकते हो तो रख लो, है ना, अदरवाइज याद नहीं, इनलेट वाला याद रख लेना, बस इनलेट पे पता है रेडियल एंट्री होती है, बस इतना याद रख लेना, बाकी सब कुछ आपको बताएगा कि बीटा इतना है, फाई इतना है, आप बस उसके थ्रू कर लेना, ठीक है, आप उसके थ्रू कर लेना, बस इतना ही याद रखना है, ये वाला पार्ट जो है अगर वो याद रख लोगे तो बस, बाकी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां से सुनो, अभी ना ओवरऑल इफिशियंसी की बात कर रहे थे तो हमने यहां से जस्ट बोला कि ओवरऑल इफिशियंसी मतलब फाइनल कितनी पावर हमने ऑब्टेन की है, फाइनल स्टैटिक पावर ऑब्टेन्ड, फाइनल स्टैटिक पावर ऑब्टेन्ड कितनी ऑब्टेन की है, पहला पार्ट, डिवाइडेड बाय फाइनल स्टैटिक पावर ऑब्टेन्ड और कितनी पावर हमने सप्लाई की है, मतलब पावर सप्लाइड टू द शाफ्ट, पावर सप्लाइड टू द शाफ्ट, ऐसे भी लिख सकते हो, यही तो है ना, पावर सप्लाइड टू द शाफ्ट बाय मोटर, ठीक है, बाय मोटर, ऐसे भी कर सकते हैं। तो शाफ्ट यहां से मोटर, अब पूरा का पूरा हमने कितना हेड निकाला था वो हमें अगर ऐसे भी पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमें पता है कि सर हमने टोटल MGH नाम का हेड निकाला था, अगर देखोगे ध्यान से तो ये था ना, एक आपके पास सक्शन हेड था, इसके बाद ये डिलीवरी हेड था, तो सर हम MGH निकालते हैं और MGH में कौन सा, यहां से सक्शन और डिलीवरी, तो आप यहां से बोलोगे सर मास फ्लो रेट इंटू जी इंटू सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड, सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड और डिवाइडेड बाई आप यहां से शाफ्ट पावर कर दो, ऐसे भी आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी निकल आती है, ऐसे भी आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी निकल आती है। अदरवाइज सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको ओवरऑल एफिशिएंसी निकालनी है तो इट इज इक्वल टू आपके पास यहां से आ जाएगा मैनोमेट्रिक इंटू मैकेनिकल इंटू वॉल्यूमेट्रिक, हो गया, ये भी एक फॉर्मूला आपके लिए बन जाएगा, ठीक है, बस इतना है पंप में,
इतना है पंप में। अब इसके बाद हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे पंप, जिसमें हम मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड ऑफ द पंप निकालेंगे, फिर उसमें बेसिक जो भी पॉइंट छोटे छोटे बनते हैं फिर करेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। ये बेसिक वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए। अब फिर इसके बाद इसका जस्ट बेसिक इसकी पावर्स क्या क्या होती हैं, शाफ्ट पावर क्या होती है, वो उस पर डिस्कशन करेंगे। इतना पार्ट आप लोग यहां से थोड़ा सा जस्ट आई होप कर पाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। कल हम लोग इस पे फर्दर डिस्कशन करेंगे और इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट दे दूं इसका क्या, स्क्रीनशॉट दे दूं क्या इसका? मेरे ख्याल से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। एक ये आपको याद रखना है, अगर गेट रख करना है तो गेट के लिए उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको याद रखना है, बाकी मैंने लिखा दिया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए, इसका ले लीजिए, इसका ले लीजिए, इसका ले लीजिए, बस हो गया, ठीक है, इसका ले लीजिए। अब बाकी हम कल से स्टार्ट करेंगे इसका मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड ऑफ द पंप, और फिर वहां से जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हैं वो करेंगे। यहां तक आपका गेट का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, इसके बाद गेट का क्वेश्चन नहीं आता। कल हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज में छोटे छोटे पार्ट्स पूछ लेता है, उस पर बात करेंगे कल। उसके बाद यहां से कृष्णा, अभी के जो पंप आते हैं उसमें प्राइमिंग की जरूरत नहीं पड़ती, पुराने पंप में कौन सा चेंज हुआ जो प्राइमिंग? हाँ, कल इस पर डिस्कशन करेंगे स्पेसिफिक स्पीड पे कि कैसे कैसे हमने चेंजेस किए हैं, कल इस पर कृष्णा बात करेंगे। अभी आप उस हालत में नहीं हो कि मैं डायरेक्टली बता दूं और आप उसको समझ जाओगे, ठीक है। तो कल हम इस पर स्टार्ट में बात करेंगे, जब हम मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड की बात करेंगे कि मुझे मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड कितनी चाहिए, तब उसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी 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 नहीं, अभी बस इतना ही आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग यहाँ से कल बात करेंगे इस पर। चलो तो अभी मैं लीव करता हूँ, अभी मैं लीव करता हूँ, है ना, सुबह से क्लास चल रही है आज। मैं जस्ट यही था कि क्लास ज़्यादा लेंदी होगी, तो ये शाम वाली क्लास हम मेरे ख्याल से 4 से 5 दिन और लगेंगे और ये पंप वाला पार्ट फिनिश, उसके बाद आपका ये वाला टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा, फिर आप अपना नेक्स्ट पार्ट करना जाके, ठीक है। चलो ओके, तो अभी हम लोग लीव करें, नेक्स्ट जो यहां से है, ओके ये लीजिए, थैंक यू। चलो फिर हम लोग मिलते हैं बाद में, हम लोग यहाँ से मिलते हैं बाद में, यहाँ से ओके। ये ऑफर आया है तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको ये ऑफर चाहिए तो आप ये ऑफर ले सकते हैं, जिस किसी को भी 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना हो, अदरवाइज कोई बात नहीं। फिर हम लोग कल मिलेंगे शाम को 9:30 PM है ना, नॉट 9 PM है ना, मैं बाई मिस्टेक 9 PM बोल गया हूँ, दिस इज 9:30 PM, क्या ही बात है, 9:30 PM, ओके चलो, थैंक यू।